उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। इस संबंध में यूपी गृह विभाग ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं, ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। यह अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है बल्कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब भी बनता है, जिसको देखते हुए अब सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिले के DM को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने को कहा गया है। जनपद में भी सड़कों के किनारे अनगिनत छोटे बड़े मंदिर हैं जिसको हटाने के लिए 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत मालिकर ने कहा, देखिए इसमें पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश रहे हैं और जनहित में उन्होंने पूरे राजस्व प्रशासन को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था और वो शासन के स्तर से भी हमें कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश हैं वो शासन के निर्देश के साथ जब हम लोग को प्राप्त होते हैं तो हमारा और हमारे मंडल के चारों जिलाधिकारियों और राजस्व प्रशासन का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएँ और उसको हम जो पूरा आदेश है और जो शासन के निर्देश हैं उसका हम अध्ययन करते हुए उस पर कार्रवाई करें। अभी हमें हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर थोड़ा हम लोग का डिस्कशन भी चल रहा है और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसका हम बताएं।